आएंगे लॉकडाउन खोलने का प्लान। और कोरोना संकट के बीच बॉलीवुड से एक दुखद खबर आई है। बॉलीवुड के दबंग संगीतकार वाजिद खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वाजिद कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे, लेकिन उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से यानी हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। उनका निधन चेंबूर के सुराना अस्पताल में हुआ। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सलमान खान की फिल्म दबंग समेत कई हिट फिल्मों में वो संगीत दे चुके हैं। उनकी जोड़ी है साजिद वाजिद की, जो कई हिट फिल्में दे चुकी हैं। इस जोड़ी को सलमान खान की बेहद करीबी माना जाता है, क्योंकि सलमान खान ने इनको कई फिल्मों में मौका दिया था। पिछले कुछ दिनों से वाजिद की तबीयत खराब थी, उन्हें दिल की बीमारी थी, लेकिन इस बार किडनी की गंभीर समस्या की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। मगर कल शाम उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आखिरी बार वाजिद का नाम सलमान खान का लॉकडाउन के बीच ईद के लिए जो गाना रिलीज हुआ था प्यार करो ना, उसमें ही सामने आया था। इस गाने में सलमान के साथ वाजिद ने भी आवाज दी थी। साजिद वाजिद की जोड़ी सलमान खान के बेहद करीबी है, और उन्होंने सलमान के साथ तुमको ना भूल पाएंगे, तेरे नाम, गर्व, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, हेलो, गॉड टू सी ग्रेट हो, वॉन्टेड, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, वीर, दबंग जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है। सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे में भी अपने जोड़ीदार साजिद के साथ वाजिद ने संगीत दिया है। तो आपको बता दें कि बॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर है। बॉलीवुड के जाने माने मशहूर संगीतकार साजिद वाजिद की जोड़ी, आपको सबको जानते हैं, लेकिन उसमें से आपको बता दें कि संगीतकार वाजिद जो उनके जोड़ीदार हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। और बताया जा रहा है कि उन्हें कोरोना हुआ था, इस वजह से हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन उनकी जो मौत हुई है उसकी वजह सामने आई है हार्ट अटैक, यानी कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि वो बीमार थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, और काफ़ी कम ही उम्र में वो इस दुनिया से चले गए हैं। इस खबर के बाद बॉलीवुड में काफ़ी गम का माहौल है। और आपको बता दें कि साजिद वाजिद ने सलमान खान के साथ कई बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। तेरे नाम से उनकी शुरुआत अगर कह सकते हैं सबसे बड़ी हिट रही है तेरे नाम, जो सलमान खान की फिल्म थी। उसके बाद एक के बाद एक कई फिल्मों में साजिद वाजिद ने सलमान खान के साथ काम किया है। दबंग भी उनके हिट फिल्मों में से एक है। और आखिरी बार उन्हें सलमान खान ने जो गाना रिलीज किया था ईद के मौके पर, क्योंकि कोरोना की वजह से अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर पाए थे राधे, लेकिन उनकी जो सॉन्ग यानी कि एल्बम एक रिलीज हुआ था, एक ही गाना जो सिंगल रिलीज हुआ था, उसमें वाजिद ने म्यूजिक दिया था, वाजिद की आवाज भी उसमें है। और साजिद वाजिद सलमान खान के काफी करीबी माने जाते हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने बहुत ही कम वक्त में बॉलीवुड में काफी मजबूत जगह बना ली थी, कई हिट्स दिए थे साजिद वाजिद की जोड़ी ने, लेकिन ये दुखद खबर है कि अब वाजिद नहीं।